हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के बारे में। सो आपको पता ही होगा, अगर आप किसी भी लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं तो आपका वहां पे पीएफ कटता है। सो पीएफ कटने के बाद आपको यूएनए नंबर मिलता है। अगर आपको यूएनए नंबर कंपनी ने प्रोवाइड नहीं करवाया तो आप उसको फाइंड कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर ही काफ़ी सारे टॉपिक बन जाते हैं पीएफ के रिगार्डिंग। जैसे आपने बैलेंस कैसे चेक करना है, उसको एक्टिवेट कैसे करना है, आप एडवांस में पैसे कैसे निकलवा सकते हैं, तो अगर अपना जो अकाउंट है वो सारा खाली करवाना चाहते हैं, उसको आप सारे पैसे निकालना चाहते हैं, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, सभी इस टॉपिक पे वीडियो बन सकती हैं, अलग अलग वीडियो बनेंगी। सो आज हम ओनली बात करेंगे अपना यूएनए नंबर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले आपने इसकी ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। यहाँ पे आएंगे हम, इसका जो लिंक है वो भी आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जहाँ पे आएंगे तो जहाँ पे देख सकते हैं नो यूअर बैलेंस, यहीं पे लिखा हुआ होता है। इस नंबर पे आप मिस कॉल देंगे तो आपको जो आप बैलेंस आपका है, पीएफ का बैलेंस कितना है, वो आपको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपको मिल जाएगा। सो अगर आपके पास यूएनए नंबर नहीं है तो उसको फाइंड अपने कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन क्लेम्स मेंबर अकाउंट ट्रांसफ़र पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे जी। इसकी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आप यूएनए नंबर फिल करेंगे और नीचे पासवर्ड फिल करेंगे। सो अगर आपके पास यूएनए नंबर नहीं, इसको फाइंड कैसे करना है, बिल्कुल नीचे आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं नो यूअर यूएनए नंबर, ठीक है। यहाँ से आप अपना यूएनए नंबर फाइंड कर सकते हैं। सो कई बार ऐसा भी होता है एक्टिवेट नहीं होता आपका यूएनए नंबर, उसको एक्टिवेट कैसे करना है उसकी हम अलग वीडियो बनाएंगे, बट इस वीडियो में हम बात करेंगे अपना यूएनए नंबर कैसे फाउंड करना है। इस पर क्लिक करेंगे। सो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने कौन सा मोबाइल नंबर डालना है, जो आपने कंपनी में प्रोवाइड करवाया मोबाइल नंबर वही हम इस यहाँ पे डालेंगे। जो नंबर आपने कंपनी में प्रोवाइड करवाया हुआ है वही नंबर आप जहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सो उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, यहाँ से ओके करेंगे। प्लीज़ एंटर ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओटीपी फिल करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे जहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे। आफ्टर दैट वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका ओटीपी वैलिडेट हो जाएगा। नीचे आएंगे जहाँ पे नेम मेंशन करेंगे, जैसा आपका नाम की स्पेलिंग आधार कार्ड पे है सेम आपने स्पेलिंग जहाँ पे डालने हैं, और नीचे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और कैप्चा फिल करेंगे। शो माई यूएनए नंबर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूअर यूएनए नंबर इज हेयर, ये आपका यूएनए नंबर हो गया। अभी इसको आपने एक्टिवेट कैसे करना है उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। सो अगर आपको एक्टिवेट आपने पहले से कर रखा है उसको, तो आप एडवांस में क्लेम कैसे करना है, सभी टॉपिक हम इस वीडियो की कवर करेंगे। सो आप मुझे मैसेज करके बता भी सकते हैं आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सबसे पहले उस टॉपिक को हम सबसे पहले कवर करेंगे। सो अगर आपको जी हमारी अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो साथ में बेल आइकन आ रहा है उसको ज़रूर क्लिक करिए, ताकि जो भी हम नई वीडियो लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। ओके, थैंक यू गाइज़।